नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अमित बेरी मेडिकल स्पेशलिस्ट DMC लुधियाना से बोल रहा हूँ। आज के इस हेल्थ टिप सेक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस हेल्थ टिप सेक्शन में हम कोरोना वायरस के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे पेशेंट को हम लेबल करते हैं एज ए कोरोना वायरस पेशेंट। सबसे पहले इसको कोरोना वायरस लेबल करने के लिए हमें दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी चाहिए। एक तो होना चाहिए कि जो हमारा पेशेंट है उसकी ट्रैवल की हिस्ट्री होनी चाहिए, स्पेशली 14 डेज प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। सो अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री है 14 डेज प्रायर टू ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स और उसको ये सिम्टम्स आते हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन के, तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि वो पेशेंट हो सकता है। और अगर किसी पेशेंट का किसी ऐसे पेशेंट से या किसी ऐसे व्यक्ति से कॉन्टैक्ट है जो बाहर से ट्रैवल करके है, तब और उसको ये साइन और सिम्टम्स जो आते हैं गले के ख़राब और खांसी बुखार के सिम्टम्स हैं, तब भी हमें सोचना चाहिए कि पेशेंट को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। तो कोरोना वायरस के साइन एंड सिम्टम्स होते क्या हैं? तो उसके लिए कोरोना वायरस एक तरह का हमें पता है एक फ्लू वायरस ही है, तो इसके सिम्टम्स कॉमन फ्लू वाले ही होते हैं, जैसे कि इसमें बुखार, गला ख़राब और खांसी, नाक से पानी बहना और सांस में तकलीफ भी हो सकती है। कोरोना वायरस इन बाकी फ्लू वायरस से कैसे डिफरेंट है? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोरोना वायरस में बुखार ज़्यादा होता है, बुखार ज़्यादा कॉमन है और इसमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी ज़्यादा आती है, सांस की डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है। अगर किसी पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और साथ में सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो उस पेशेंट को ज़रूर सोचना चाहिए कि वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन से प्रभावित ना हो, स्पेशली अगर उसकी हिस्ट्री है कि वो किसी ने बाहर ट्रैवल किया, कोई आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल किया या उसका किसी व्यक्ति से कॉन्टैक्ट रहा है जो बाहर ट्रैवल करके आया है, स्पेशली 14 डेज प्रायर टू ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। अगर 14 दिन के भीतर ही अगर उसका किसी ट्रैवल किया है या उसने किसी ऐसे व्यक्ति से कॉन्टैक्ट किया है, तो उसको अगर ऐसे गला ख़राब, जुकाम और खांसी वगैरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसे ज़रूर देखना चाहिए कि उसे ये कोरोना वायरस ना इन्फेक्शन ना हो। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के सिम्टम्स जो सबसे कॉमन होते हैं वो तो बुखार होता है और खांसी होता है और गला ख़राब है, और ऐसे पेशेंट को अगर सिम्टम्स हों तो उसको सबसे चाहिए कि अपने आप को आइसोलेट कर ले। अगर पेशेंट को अपने घर पे आइसोलेट करके रह सकता है, अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है या बुखार बहुत तेज़ होता है, तो उसे अपने किसी डॉक्टर और सरकारी जो सिविल हॉस्पिटल है उधर जरूर रिपोर्ट करना चाहिए। तो कोरोना वायरस के सिम्टम तो होते तो सिंपल फ्लू जैसे हैं, पर उसमें जो मेन चीज़ आती है, जो मेन उसमें कंप्लेंट होती है, वो होता है बुखार और सांस लेने में तकलीफ। तो अगर ये दो सिम्टम हो तो उसको, और स्पेशली उसकी हिस्ट्री हो, तो हमें ज़रूर सोच लेना चाहिए कि ऐसे पेशेंट को कि उस पेशेंट को सोच लेना चाहिए कि उसे कोरोना वायरस के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इस एपिसोड में तो हमने यही बेसिकली डिस्कस किया है कि इसके साइन एंड सिम्टम्स जैसे कैसे होते हैं, कॉमन फ्लू जैसे होते हैं, पर अगर इसमें तो जो मेन चीज़ें हैं बुखार और सांस लेने की तकलीफ, ये जो उसको बाकी फ्लू से अलग करती हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसे डिस्कस करेंगे कि कैसे इस कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से हम अपने आप और अपने फैमिली का बचाव कर सकते हैं और इवन सोसाइटी का भी बचाव कर सकते हैं। अगर आपके इस कोरोना वायरस के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कोई अगर आपका कोई क्वायरी है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू जी।